ओके तो हेलो एवरीवन, कम बैक टू द चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो ब्लॉग। तो मैं अभी खड़ा हूँ धीरज की दुकान के अंदर। थंबनेल लेके तो पता चल गया होगा वीडियो में क्या होने वाला है। तो मैंने मंगाया था टेल डायरी मैग्नेटिक वाली अपनी ड्यूक 390 के लिए, जो कि बाहर खड़ी है वहाँ पे, और कुछ दर्शक मुझे देख रहे हैं कि मैं कैसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये है उसका कुछ पार्ट। तो ये पार्ट है मेरे इसमें छेद कराना है, बिकॉज ये फिट नहीं हो रही है। मतलब जहाँ पे नंबर प्लेट लगती है, ये जो छेद दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है, लेकिन अगर आपकी नंबर प्लेट ऑलरेडी लगी हुई है आपकी बाइक में, तो जब आप निकालेंगे तो कुछ ऐसी होगी। बीच में जो दिख रहे हैं ये लगेंगे, जो साइड वाले हैं मैं दिखा दूँ एक दफ़े आपको। तो जैसे आपकी नंबर प्लेट पहले से लगी हुई है बाइक में, जब आप खोलेंगे तो ये तो फिक्स हो जाता है, ये फिक्स हो जाता है, क्योंकि ये मशीन से होता है तो ये फिक्स हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इस जो ये वाली प्लेट है, ये जो प्लेट है ये बहुत दूर है, जैसे कि मैं देखूँ ये है, ये छेद यहाँ पे करने पड़ेंगे, इसके लिए यहाँ पे छेद करने पड़ेंगे तब जाएगा, बिकॉज इसके लिए ऑलरेडी फिक्स मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोग इसको निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए जो बाइक में कवर लगा रहता है, ये पट्टी लगी रहती है, इसी में फिक्स रहेगा। तो यहाँ इसके लिए यहाँ पे छेद करना पड़ेगा। तेल मैं दिखा दूँ बाइक में, इसका आधा पार्ट बाइक में लगा हुआ है। तो ये खड़ी अपनी बाइक, तो इसका आधा पार्ट ये लगा हुआ है, तो इसका आधा पार्ट ये लगा हुआ है। यहाँ पे इंडिकेटर इंस्टॉल होंगे, ये दो ठो कसा हुआ है, 1-2 यहाँ पे भी होते हैं दो, लेकिन ये कसे हुए नहीं, क्योंकि इसके जो छेद हैं ये वाले ये आउट हैं, छेद मैचिंग नहीं है, ये छेद आउट है। तो यहाँ पे कस दिया था मैंने दो। अब ये जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा मैग्नेट से चिपकता है। ये मैग्नेट लगे हुए हैं दो, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, दो मैग्नेट लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये लग जाएगा यहाँ पे, चिपक गया यार बड़ा फास्ट। ये ऐसे यहाँ पे कस जाएगा, एक इस छेद में कसेगा, एक इस छेद में कसेगा, और आपकी नंबर प्लेट कुछ ऐसे लग जाएगी। यहाँ पे नंबर प्लेट में छेद हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, और फिर जब ये मूवमेंट होगा तो ये कुछ चिपकेगी। अभी ये फंस रहा है क्योंकि अभी ये लगा नहीं है, ये पास पास चिपक जाएगा, तो नंबर प्लेट आपकी ऐसे चिपकेगी, और फिर इससे ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे, तो कुछ ऐसा होने वाला है। ये इंडिकेटर के लिए, अगर आप चाहते हैं तो इंडिकेटर लगा सकते हैं, वरना इसको कटा सकते हैं। तो अभी ये लगा हुआ है फिलहाल, नेक्स्ट टाइम मतलब इसके बाद मैं सोचूंगा इसको लगाए रखना है या फिर कटाना है। अगर इंडिकेटर की नींद नहीं होगी तो मैं इसको कटा दूंगा, यहाँ से कटा देंगे, मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ से कटा देंगे, ये कटा देंगे और ये कटा देंगे, ये पूरा अंदर जाएगा। अभी ये फाइबर में भिड़ रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अगर आप अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अगर आप टेल टाइडी चेक करते हैं, 500 के 600 के अंदर में अगर आप चेक करते हैं, तो मैग्नेटिक सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है अपने पास ऑप्शन में, सिर्फ यही है। मेरे को 499 की पड़ी थी, क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन आपको कस्टमाइज करना ही पड़ेगा, स्टॉक में आप नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को छेद करने पड़ेंगे दो, नहीं जैसे आगे से एक छेद यहाँ पे करा रहे हैं हम लोग। मैं बताता हूँ किस लिए, मैं जैसे दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये नंबर यहाँ पे छेद क्यों कराया है। तो ये कुछ ऐसा बना रखा है, ये पट्टी मोड़ दी है, ये पट्टी जो है इसमें फंस रही थी, तो इसको मोड़ दिया है अभी, और ये पूरा कस दिया है, इसमें कस दिया। और यहाँ पे छेद करने का रीजन क्या था, ये वाला हिस्सा मैग्नेट में चिपकता है, मैं भी बता देता हूँ आप लोगों को कैसा। इसके नीचे जो मैग्नेट लगा है ये वाला, तो जब नंबर प्लेट लगा दी ना, तो नंबर प्लेट जब ये यहाँ पे कस जाएगा, यहाँ पे ये कस गया, ये समझ लो नंबर प्लेट लग गई अपनी, ठीक है। नंबर प्लेट लगने के बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे, अभी तो इसको काटना पड़ेगा, अड़ रहा है, तो क्या दिक्कत है, ये वाला हिस्सा अड़ रहा है इस फाइबर पे, तो मैग्नेट और पट्टी की दूरी हो रही है दूर, ये वाली पट्टी की दूरी मैग्नेट से दूर हो रही है इतनी, तो ये लगा दिया है, तो अब ये डायरेक्ट ऐसे चिपक जाएगा, समझ गए आप। ये देखो ये भिड़ रहा है ना यहाँ पे, ये भिड़ रहा है यहाँ पे भिड़ रहा है। अब ये हिस्से, जब ये वाले हिस्से काट देंगे हम, इनको जब काट देंगे तो ये फिर चिपकने लगेगा, तो दूर से कुछ ऐसी लग रही देखने में। बस उसको टाइट करके कसना पड़ेगा उसको ना, तो ये कुछ ऐसा लग गया है, ये चिपक गया, जैसे देखो मैं दिखा दूँ करके, ये मैग्नेट चिपका ना, कहाँ गया, ये लूज है ये, क्योंकि ये छोटी वाली लंकी से कसेगा, अभी लंकी नहीं है अपने पास, इसको कसेंगे हम लोग। लूज का रीजन यही है क्योंकि वो टाइट नहीं है, जब यहाँ से टाइट हो जाएगा तब अच्छे से आ जाएगा वो। तो ये कस दिया यहाँ पे, बस एक दिक्कत रहेगी कि अगर आप इसको पूरा टाइट करेंगे, ये जो बोल्ट है, अगर आप इसको पूरा टाइट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है इसको फ्लिप करने में, हल्का लूज ही रहेगा। तो जब आपकी बाइक चलेगी तो हो सकता है, अभी थोड़ा लूज है और टाइट कर दूंगा, क्योंकि मूवमेंट भी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइट कर देंगे आप तो फिर ये मूवमेंट नहीं रहेगा, तो फिर चिपकेगी नहीं, और ये पीछे जाके मैग्नेट में ऐसे चिपक जाएगी, जैसा कि मैंने वो लगा रखा है। हो गई अपनी नंबर प्लेट,
तो मेरे को नीड नहीं है इसकी, इंडिकेटर की नीड नहीं है, क्योंकि इंडिकेटर अगर इसमें हम इंस्टॉल करेंगे तो बहुत ही यहाँ पे निकल जाएंगे, तो टूटने का डर रहेगा, कोई भी बैठेगा तो पैर लग के टूट सकता है। तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा, और ये जो पीछे का हिस्सा है, ये जो मैंने फोल्ड कर रखा है, ये भी एक्स्ट्रा था, इसमें भीड़ रहा था, तो ये भी मैं काट लूँगा। तो इसको काट लूँगा और इसको थोड़ी टाइट कर दूँगा, फिर अपनी नंबर प्लेट रेडी हो गई। ऐसे चिपक गई और ये ऐसे चिपक गई। तो और जुगाड़ ये हो सकता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा मैग्नेट हो तो आप यहाँ पे एक दो मैग्नेट और चिपका सकते हैं, ताकि यहाँ पे स्पेस है, जो यहाँ पे भी मैग्नेट चिपका सकते हैं, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से चिपक जाएगा, ताकि आपकी बाइक चलेगी जब स्पीड से तो ये हिल के निकले ना। वैसे निकलेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक दो मैग्नेट और यहाँ पे चिपकाया जा सकता है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे जगह है। तो ये कुछ ऐसे हो गया और ये कुछ ऐसे हो गया, तो ऐसे लुक आ रहा है सार पे, पता भी नहीं चल रहा कुछ लगा हुआ है। तो ये कुछ ऐसा है। प्राइस तो मैंने बता ही दिया था, 499 रुपये का मेरे को मिला था अमेजोन से। बाकी क्वालिटी की बात करो तो ठीक ही ठाक है, मतलब काम चल जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं है कि मतलब बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही ख़राब है, ठीक ठाक कहेंगे। ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी ऐसे कर दो तो मुड़ जाता है, देखो ऐसा कुछ क्वालिटी इसकी, सिंपल सा। और ये ऐसे चिपक गया और ये ऐसे चिपक गया, शार्प लुक ऐसे में आ रहा है। और जब ज़रूरत नहीं है आपको तो आप ऐसे करके खोल लो, तो कुछ ऐसा है। तो बस यही था, ये थी आज की वीडियो में। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जो बताया, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।